किससे होगा? लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति कमाई, आलीशान कोठी बंगले महल बनाए, एक एक करोड़ दो दो करोड़ की गाड़ियां खरीदी, बहुत लंबा चौड़ा कुटुंब परिवार बनाया, क्या उससे कल्याण होगा? उससे कल्याण हो जाता तो कवि ने कहा है, लख पुत सवा लाख नाती और रावण के घर दीवाने बादी। उससे कल्याण हो जाता तो कितने राजा महाराज आए, आज उनका कोई नाम है? कई सूरमा चक्रवर्ती यहां त्याज लगा कर चले गए, कई ऐसे हो गए उनके भी तख्त हिलाकर चले गए, गजब्र जिनकी चौड़ी छाती वे कमर झुकाकर चले गए, बहुत घने इस पृथ्वी पर आए और आकर चले गए, किसी का नामो निशान नहीं। ने राजा रहेगा ने रानी रहेगी, ये मिट्टी सभी की कहानी कहेगी। तो मंगल किससे होगा? मंगल होगा परमात्मा के नाम से। परमात्मा का नाम और शुभ काम। परमात्मा का नाम क्या है? एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य परमात्मा एक है। विप्राहा पंडित जन, ज्ञानी जन, मनीषी जन, संत महात्मा उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। श्री कृष्ण कहता है, कोई श्याम कहता है, कोई राम कहता है, कोई हनुमान कहता है, कोई एक ओंकार वाही गुरु कहता है, कोई सतसाहिब कहता है, कोई राधा स्वामी कहता है, कोई निरंकार कहता है, कोई साकार कहता है, कोई शिवराज कहता है, पर एक नाम ऐसा है जो सर्वमान्य है, वह नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद परमात्मा की जय। सत्य परमात्मा परम धाम में है। कहां पर है? परम धाम में। अमूमन साधारण भाषा में कहते परमात्मा सर्वव्यापक है, परंतु किसी बच्चे से पूछा जाए कि सूर्य कहां पर है, एक बच्चा छोटा है 3-4 साल का ही है, उससे कही बेटा सूर्य कहां पर है, वो क्या बताएगा? नीचे। कहां बताएगा? सूर्य ऊपर है। तो प्रकाश, सूर्य एक किरणी कितनी है? सूर्य एक किरणी कितनी है? अनंत है, अनंत है, अनंत है। 100 साल की चेतना आत्मा निकलने के बाद डर लगने लग जाएगा, इसलिए कहा है, लोग कुटुंब खरो हित राखत, होए नहीं कब हो हमसे न्यारो, नेह स्नेह तभी तक जानो, बोलत है मुख वचन विचारो, सुंदर चेतन शक्ति निकल गई, बेगी कहे घर बाहर निकालो, फिर कोई घर में। तो चेतन आत्मा क्या चाहती है? आनंद चाहती है। शरीर मन इंद्रियां, शरीर मन इंद्रियां चाहता है सुख, आत्मा चाहती आनंद। सुख में और आनंद में अंतर क्या है? बाहर से जो मिल रहा है वह सुख है, बाहर से जो मिल रहा है वह सुख है, अंदर से जो मिल रहा है वह आनंद है। खोजी खोजे बाहर भीतर वह अंतर पैठा आप, सत सपने को पार से देखे पर सपनन देखे साक्षात। तो आनंद। अब सुख किस में है? पंखे कूलर एसी। परंतु आज से 2 महीने पहले सुख किस में था? सूरत अहमदाबाद बम्बई को छोड़ करके दिल्ली पंजाब हरियाणा सब जगह सुख क्या में था? गर्म स्वेटर, गर्म कोट, गर्म शाल, गर्म टोपी, गर्म मफलर और गर्म कम्बल, गर्म रजाई। अब वो सुख कहाँ पर है? वो गर्म कम्बल कहाँ अभी? अब गर्म स्वेटर कहाँ पर है? ड्राई क्लीन करके और अलमारी बंद करके रखा हुआ है, वो सुख बंद कर दिया आपने। अब सुख कहाँ है? इस कूलर में है। परंतु वह जनवरी की ठंडी, वह फरवरी की ठंडी,
कहाँ? बद्रीनाथ, केदारनाथ बर्फ, वहाँ पर ऐसे संत हैं, वही बर्फ में ऊपर बर्फ, नीचे बर्फ, दाहिने बाएं बर्फ बर्फ, वहाँ के परमात्मा भी नीचे आ जाते हैं नाथ द्वारा में, पर वे संत वहीं पर हैं। एक संत आज से 9 साल पहले अपन 313 संतचा लेकर गए थे कि बद्रीनाथ में तारतम वाणी के प्रथम तारतम वाणी में ही गई थी 9 साल पहले। तो एक संत जिसका नाम बर्फानी बाबा था, लगभग 111 साल के थे, उनको बुलाया तो पूछा आप, बोले मैं तो 16 साल में संन्यास लिया था, अब हो गया 111 साल का, मैं आज तक नीचे नहीं गया हूँ, मैं तो बर्फ में रहता हूँ। उनको ठंडी क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि वह अंदर में है, वो अंदर में डुबकी लगा चुके हैं, और गर्मी में भयंकर गर्मी तप रहा है राजस्थान, और उस जून जुलाई में इतनी गर्मी में बालू रेत में चने सेक सकते हैं, और वहाँ बैठ बैठे साधक हैं, उनको गर्मी क्यों नहीं लगी? क्योंकि वह अंतर में चले गए। तो सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा आनंद कहाँ है? हे पवित्र आत्माओं, जाहीं के संग बिछुड़िया वाहीं के संग लाए, जिन सत्य परमात्मा से बिछड़े हो, परम धाम से बिछड़े हो, उनके साथ लग जाओ। तो सच्चा सुख है, सच्ची शांति, सच्चानंद है, प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं, 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 श्री कृष्ण बिना आनंद 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 नहीं, प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु भजन, प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं, श्री राज बिना आराम नहीं, श्री राज बिना आराम नहीं, श्री राज बिना आराम नहीं, प्रभु भजन बिना सुख शांति 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 नहीं, धनि धाम बिना आराम नहीं, धनि धाम बिना आराम नहीं, धनि धाम बिना आराम नहीं, प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु भजन सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा आनंद है परमात्मा के भजन में और शुभ कर्म में। वे सच्चिदानंद परमात्मा क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, विश्व का कल्याण करते हैं। कई बार अभिमान वश कह देते हैं ये सारा कुटुंब परिवार मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, तो ये सब बच्चे तेरे हैं, तो फिर बच्चा अंधा क्यों हुआ? फिर उसको सुनता क्यों नहीं है? फिर बोलता क्यों नहीं है? फिर वो चलता क्यों नहीं है?
अरे आपका बेटा है, बड़ा सुंदर है, तो उसकी आंख पर दिखता क्यों नहीं है? आपने बनाया है तो अंधा नहीं बनाता? आपका बेटा है फिर भी चलता क्यों नहीं है, सुनता क्यों नहीं है? नहीं, आप हम कुछ नहीं है, सब कुछ करने करवाने वाला भाई है। पूर्व कर्म से कई बार अभिमान में चकना चूर हो जाते हैं। क्या सोचते हो, मेरे पास बहुत पहुंच है, मैं ये कर सकता हूं? अरे कौन से बाग की मूली हो तुम? ये कहते कहते और हवा का झटका लगा, मुख टेढ़ा हो गया, हाथ पर चलने बंद हो गए, लकवा मार गया। तो कहाँ तुम्हारा बल कहाँ गया, कहाँ तुम्हारी बुद्धि गई, कहाँ गया? कभी अभिमान में मत कह देना ये सब मैं किया है। कोई नहीं, मैं नहीं, ये मैं कहने वाला मिट्टी का पुतला है। इसे प्राण फूकने वाले परमात्मा ही हैं, और कौन कल्याण भी परमात्मा ही करता है। तीन काम और करने परमात्मा, कौन से? तापत्र विनाशाय, हर प्राणी को, हर मानव को तीन प्रकार के ताप मणि दुख हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक। तन की पीड़ा, मन की पीड़ा, आत्मा की पीड़ा। तन शरीर में बीमारी लग गई, अनेक प्रकार की बीमारी होती, कुछ बीमारी ऐसी होती जिनका कोई प्रकार से इलाज नहीं होता, निराश हो जाते हैं, खूब इलाज करते हैं, एक एक इंजेक्शन एक एक लाख रुपए का आता है, डॉक्टर हर प्रकार से कोशिश करते हैं, यहां अमेरिका, लंदन, जर्मनी, जहां को वहीं जाते हैं, ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन, केमोथेरेपी केमोथेरेपी सब। अंत में डॉक्टर कहता है अब घर ले जाओ, हमारे पास मत लाना, कोई इलाज नहीं है, कुछ दिनों का मेहमान है। निराश हो गई। अंत में दो पैसे हैं, बच्चे सेवा करने वाले हैं, कोठी बंगले बने हुए हैं, परंतु एक रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है, वह कैंसर। कैंसर ने आंसर, कैंसर से पीड़ित है, 70-80 करोड़ का मालिक है, 10-12 करोड़ इलाज में लग चुके, और घर में ले आए, कोठी बंगले हैं, बगीचा है, स्विमिंग पूल है, कोठी के अंदर 4-5 एकड़ में कोठी बनी हुई है, उसी में मंदिर भी है, 8-8 घंटे में पुजारी पूजा करते हैं, सब आस्तिक परिवार है, सब सो रहे हैं, और उस घर के मालिक को, उस अरबपति को रात के 12 बजे बड़ी पीड़ा होती है, अब सहन नहीं कर सका, तो ऐसे करके मंदिर में जाता है। श्री कृष्ण का मंदिर है, राधा कृष्ण विराजमान है, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, बचने की कोई आशा नहीं, आज 10 साल से नरक भोग रहा हूं, वो दूसरा नरक मुझे नहीं पता, मैं भोग रहा हूं, इतनी पीड़ा, जीने की तमन्ना खत्म हो गई है, ठीक होने की आशा खत्म, अब मुझे आप बुला लो, आप बुला लो। वहां मंदिर में प्रार्थना करा रात के 1 बजे, सारा परिवार सोया हुआ है, क्या कह रहा है? प्रभु जी मैं आयो शरण तिहारे, प्रभु जी मैं आयो शरण तिहारे, हरि जी मैं आयो शरण तिहारे, हरि जी मैं आयो शरण तिहारे, रखियो रखियो लाज हमारे, रखी हो लाज हमारी,
रखिया रखिया लाज हमारे, रखी हो रखी हो लाज हमारी, श्री जी में आयो शरण तिहारे, श्री जी में आयो शरण तिहारे, प्राणनाथ में आयो शरण तिहारे, प्राणनाथ में शरण तिहारे, रखिया रखिया लाज हमारे, रखी हो रखी हो लाज हमारी, जय मीरा के गिरधर नागर जय तुलसी के राम, जय मीरा के गिरधर नागर जय तुलसी के राम, नरसिंह जी के सांवरिया सूरदास के श्याम, नरसिंह जी के सांवरिया सूरदास के श्याम, प्राणनाथ में शरण तिहारे, प्राणनाथ में शरण तिहारे, रखियो रखियो लाज हमारे, रखी हो रखी हो लाज हमारी, प्राणनाथ में शरण तिहारे, प्रभु जी में आयो शरण तिहारे, इसी नाम ने सूरदास को कैसे देखे तारा, इसी नाम ने सूरदास को देखो कैसे तारा, इसी नाम ने सूरदास को देखो कैसे तारा, इसी नाम ने सूरदास को देखो कैसे तारा, नरसिंह जी की उंडी ताल सावन रूप धारा, नरसिंह जी की उंडी ताल सावन रूप धारा, प्रभु जी मैं आयो शरण तिहारे, प्रभु जी मैं आयो प्राणनाथ में शरण तिहारे, प्राणनाथ में शरण तिहारे, हे रखिया रखिया लाज हमारे, रखी हो रखी हो लाज हमारे, हाँ रखिया रखिया लाज हमारे, रखी हो रखी हो लाज हमारे, प्राणनाथ में शरण तिहारे, प्राण